इन दिनों सरकार सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा के लिए नए नियम लेकर आ रही है और पुराने नियमों को भी सख्त करती जा रही है। ऐसे ही नियमों में एक है स्कूटर या बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट का जरूरी होना। हालांकि ये नियम सभी शहरों में नहीं है, लेकिन फिलहाल दिल्ली के बाद ये नियम लखनऊ में लागू होने वाला है। आज हम आपको इस बड़े नियम के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, पर आगे बढ़ने के पहले प्लीज आप हमारे चैनल NJ हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। बात करें इस नियम की तो SSP कलानिधि नेथानी ने बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए ये आदेश दिया है कि जून 2019 के बाद से लखनऊ में भी सभी लोगों को दो पहिया गाड़ियों पर हेलमेट पहनकर ही चलना होगा। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के चलते इस नियम को लागू होने में देर हो रही है, लेकिन ये नियम जून से लागू हो ही जाएंगे। तब तक लोगों को भी एक्स्ट्रा हेलमेट खरीदने के लिए वक्त मिल जाएगा। इसके पहले लखनऊ में एक और अभियान चला था जिसमें बिना हेलमेट के पेट्रोल देने से मनाही हो गई थी। इसका असर भी पड़ा था, लेकिन बाद में इस व्यवस्था में ढील पड़ गई थी। लेकिन SSP साहब का कहना है कि जून के बाद इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। तो अगर आप अभी हेलमेट नहीं लगाते हैं तो आपको अभी से इसकी आदत डाल लेना चाहिए ताकि आपको इस वजह से कोई परेशानी ना हो। खैर, ये नियम तो सिर्फ लखनऊ के लिए होंगे, लेकिन हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप कहीं भी हों, बिना हेलमेट के दो पहिया गाड़ी पर कभी सफर ना करें, जिसके कारण कोई भी एक्सीडेंट में बड़ा नुकसान ना हो। क्या दोस्तों, आप ही सरकार के इस नियम का पालन करेंगे या नहीं, हमें कमेंट करके बताएं। और इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।